हे गाइस, स्वागत है आपका क्विक एंड हेल्दी रेसिपी चैनल में। आज मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी से तोड़कर लाए हुए प्लम्स, एप्रिकॉट्स और बेल, इनके फील्ड्स की विजिट कराऊंगी। और ये देखिए, मैं तो अपने लिए लाई थी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एप्रिकॉट्स। फ्रेंड्स, एप्रिकॉट्स हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। ये इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, हमारे लीवर में हेल्प करते हैं, इनमें पोटेशियम होता है, बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। तो ये देखिए, हम फील्ड पे पहुंच गए हैं। ये है प्लम के ट्री, प्लम या अपने लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं आलू बुखारा। ऑल्दो ये साइज़ में थोड़े छोटे हैं, बट यूनिवर्सिटी के फार्म के हैं, इनकी डिमांड बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा होती है। और मींस एक फेथ है हमारा इनमें कि ये हेल्थ में अच्छे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खुद फार्म से तोड़कर, इसमें क्या आनंद आता है फ्रूट्स तोड़कर खाने में खुद से। और भैया मेरे लिए साइड में अभी तोड़ रहे हैं, टिल देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फील्ड के विजिट करूं। ये देखिए, शायद बिल्कुल अच्छे से जो राइट होके वो नीचे भी गिरे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ओ वाओ, ये लगता है किसी ने इकट्ठे किए हैं एक जगह। तो अब हम आ गए हैं, ये एप्रिकॉट के ट्रीज हैं, ये देखिए। एक्चुअली मैं लास्ट टाइम आई थी तो बहुत मोटे मोटे, एक्चुअली इनकी डिमांड ज़्यादा हो गई तो कम हो गए। इस बार थोड़े कम दिख रहे हैं, बट कुछ तो मैं आपको दिखा पाऊँगी। देखिए, ये आपको आड़ू या एप्रिकॉट, ये आप देख सकते हैं, ये एप्रिकॉट के पेड़ हैं, भैया मेरे लिए तोड़ रहे हैं। और ये आप देखो, खजूर भी बहुत लगे हुए हैं और इन पे लगते हैं। खजूर भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। अभी ये ग्रीन है, कुछ टाइम बाद पक जाएंगे। देखिए, दूर दूर तक आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी के फार्म हैं। और यहाँ पर ये भैया लोग वर्कर्स इसमें काम कर रहे हैं। और जो पौधे वगैरह, ये देखिए बेल तोड़ कर रखी भी है इन्होंने। और ये मेरे लिए एक बेल ले आए हैं भैया तोड़ कर, ये थोड़ी एक दो तीन दिन में और अच्छे से पक जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब काम आता है घर आके इनको वॉश करने का, क्योंकि हम इन पे कई बार पेस्टिसाइड वगैरह भी स्प्रे करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये आप टेंशन ना लें, डस्टबिन नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश। मैं इसको फ्रूट्स के लिए वॉश करने के लिए लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा यूटेंसिल नहीं है। तो हम लोगों को जो प्रिपरेशन करते हैं या अकेले रहते हैं जॉब के सिलसिले में, हमें जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये डस्टबिन मैंने स्पेशल फ्रूट्स वॉश करने के लिए ही लाया हुआ है। इसमें मैं पानी भर के बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ। और ये इसमें देखो, मैंने मेरे सारे प्लम्स को या आलू बुखारा को वॉश कर लिए हैं। ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो गाइज, अपने डाइट में भी आप फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करें। और जो प्लम्स है वो भी, इनमें विटामिन ए, B1, B2, विटामिन सी, और आपकी लीवर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है। तो गाइज, अपनी कोरोना में हमें पता चल ही गया है कि अपने इम्यून सिस्टम को आप जितना अच्छा रखेंगे वो सबसे बेस्ट है। ये देखिए गाइज, ये वॉश हो गए हैं प्लम्स। मैं, मुझे पता है आपका भी बहुत मन कर रहा होगा इन्हें खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें एग्जोटिक फ्रूट्स की बजाय आपके यहाँ जो भी सीजनल फ्रूट लगा हुआ है वही खाना चाहिए, क्योंकि वही आपको उस तरह के एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए और उससे बचाएगा। जैसे अब यहाँ ये गर्मी में हो रहा है तो आपको गर्मी से बचाएगा। एप्रिकॉट भी आपको हाइड्रेटिंग रखता है और बहुत ही अच्छा। ये देखिए कितने अपीलिंग लग रहे हैं। मेरा, मुझे यकीन है कि आपका भी बहुत मन कर रहा होगा इन्हें खाने के लिए। तो आप भी खरीद लाइए अगर आपके आसपास हैं तो। और फ्रेंड्स, एक और फ़ायदा है अपने सीजनल फ्रूट्स खाने का, वो आपको सस्ते भी मिलेंगे तो आपके पॉकेट फ्रेंडली भी होंगे। और गाइस, अपनी हेल्थ, अपनी डाइट में ज़रूर इन हेल्दी फ्रूट्स को ऐड करिए। इसमें देखो, फ्रूट्स अगर आप ऐड करेंगे ज़्यादा तो आपको पकाने में या कुकिंग में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रख पाएंगे। आपकी फ्रूट्स खाने से आपकी स्किन पे एक जो नेचुरल ग्लो आता है और आपकी, आपका गट है, एप्रिकॉट्स भी या प्लम्स, ये भी आपके गट फ्रेंडली भी होते हैं, आपके डाइजेशन सिस्टम को भी। देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ये लीव्स भी आ गई है इसके साथ। वाओ गाइज, मैं तो अभी नहीं खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं एक बार नॉर्मल पानी से और वॉश करूँगी। तो गाइज प्लीज़ बताइए ये वीडियो आपको कैसा। और ये एप्रिकॉट्स को मैंने अभी वॉश नहीं किया है, थोड़े से मुझे अनराइप लग रहे हैं, तो अच्छे से राइप हो जाएंगे, फिर अभी इन्हें भी वॉश करेंगे। ओके गाइज, ध्यान रखिए अपना और अपनों की सेहत का। बाय बाय।